नमस्कार दोस्तों, 135 करोड़ के लगभग है भारत की जनसंख्या और अगर राजस्थान की बात करूं तो 7.9 करोड़। लिंगानुपात की बात करूं तो राजस्थान का रेशो है 1000 लड़कों पर 926 लड़कियां। ये रेशो काफ़ी दुरुस्त है, मगर जब भी राजस्थान का नाम आता है तो एक बार दिमाग में बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या जैसे कई किस्से आ जाते हैं। पर अब अगर कहूं कि शायद जिस राजस्थान को आप जानते हैं वो मेरे राजस्थान से बहुत अलग हैं। यहाँ पर कन्या भ्रूण हत्या नहीं होती, यहाँ कन्या के जन्म पर जश्न होता है और जश्न भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि काफ़ी बड़ा होता है जिसमें पूरा गांव हिस्सा लेता है। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको उस राजस्थान में जो आपकी सोच से बिल्कुल विपरीत है। ये बात है राजस्थान के एक ज़िले राजसमंद के गाँव पीपलांत्री की। ये बात है सन 2000 की भीषण गर्मी का समय और जब प्यास लगी तो पीने का पानी नहीं, कुएं नलकूप की ये दुर्दशा कि सोचने की हद से भी ज़्यादा सूख गए। 500 से 700 फीट तक पानी नहीं और ये सब हुआ सिर्फ बेहिसाब खनन के कारण। इंसान अपनी लालच की तिजोरी भरता गया और प्रकृति की संपदा को लूटता गया। ये कई सालों तक चलने के बाद सन 2000 में जब कुछ लालच की भेंट चढ़ चुका था, जब पीपलांत्री में बचा था सिर्फ कई किलोमीटर सूखा उजाड़। वक्त बीते पता नहीं चलता और वक्त बीतता गया। समय आया 2005 का। इस समय हुआ गांव में पंचायत का चुनाव और गांव में सरपंच चुने गए श्याम सुंदर पालीवाल। श्याम सुंदर एक नौजवान थे और वो काफ़ी यकीन रखते थे कि रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह ज़रूर होती है। जब श्याम सुंदर सरपंच बने तो गाँव में था सिर्फ सूखा जंगल, न खेती के लिए पानी न पीने के लिए। युवा वर्ग तो मानो नशे की गिरफ्त में आ चुका था। अब शाम के सामने सिर्फ परेशानियों के समंदर के अलावा कुछ नहीं था। था तो सिर्फ एक रास्ता कि अब शायद वक्त आ चुका है कि इस समंदर में उतरकर इसे साफ किया जाए। बस इसी सोच के साथ पिपलांत्री गांव के नए सरपंच श्याम सुंदर ने गाँव के युवा बेरोजगारों की एक टीम तैयार की और गाँव में जगह जगह एनिकट खोदना शुरू किए। कई महीनों की मेहनत के बाद जब बादलों ने पीपलांत्री का रास्ता देखा तो एनीकटों ने भी अपना काम बखूबी निभाया। कुछ ही सालों की मेहनत के बाद गांव के सूखे कुएं फिर से पानी से लबालब हो गए। जो पानी 700 फीट नीचे चला गया था अब वो 500 फीट ऊपर आ गया था। इस काम की गांव वालों ने खूब तारीफ की और ये गाँव रातों रात सुर्खियों में आ गया। पानी तो शाम गाँव में ले आए थे, अब उनके सामने संकट था गाँव की खोई हुई विरासत को वापस लाने का। गांव की खोई हुई विरासत यानी कि गांव को उसका जंगल वापस करने का। और इसी बात को दिमाग में रखकर श्याम सुंदर ने एक मुहिम शुरू की जिसका नाम रखा किरण। ये मुहिम आगे चलकर गांव को देश क्या विदेशों तक पहचान दिलाने में सफल हो गई। ये मुहिम कुछ इस तरह थी कि अगर गांव में कोई लड़की पैदा होगी तो उसके घर वाले दुखी होने के बजाय गाँव में 111 पेड़ लगाएंगे और उन पेड़ों का बच्चों जैसा ख्याल रखेंगे। और इसी के साथ पूरे गांव वाले मिलकर लड़की के घर वालों को 21,000 रुपये देंगे, जिसमें से 11,000 लड़की के नाम बैंक में जमा होंगे और 10,000 रुपये उसकी शिक्षा और बाकी ज़रूरी कामों पर खर्च होंगे। इतना सब भी जब श्याम सुंदर को काफ़ी न लगा तो उसने गांव वालों से एक अग्रीमेंट पर साइन कराया कि कोई भी गाँव वाला लड़की की शादी 18 साल से पहले नहीं करेगा और यदि किसी ने ऐसा किया तो वो कानूनन जुर्म माना जाएगा। देखते ही देखते मानो गांव में हरियाली वापस लौट आई हो। पहले जिस गांव में पानी और पेड़ के नाम पर सिर्फ उजाड़ बंजर था, अब वही गांव पूरे देश में हरियाली की मिसाल बन चुका था। अगर आज की बात की जाए तो गांव में कुल 3 लाख से भी ज्यादा पेड़ हैं। जहां गांव वाले पेड़ की छाव में बैठने को तरस जाते थे, अब वही गाँव वाले कहते हैं कि मानो पिपलांत्री में एक अलग सी हवा चलती है और गाँव के बाहर अलग। गांव वालों का तो यहाँ तक कहना है कि उन्हें गर्मियों में पंखे और कूलर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये पेड़ उगाने और बेटियों को भी उनकी जगह वापस दिलाने के पीछे एक बहुत गहरा कारण था। श्याम सुंदर की एक बेटी थी किरण, जिसे वो बहुत प्यार करते थे, पर एक दिन उल्टी और दस्त के ना रुकने के कारण उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया और उसी दिन से एक प्रण किया कि आज के बाद पिपलांत्री में कोई भी बेटी अपनी जान ऐसे नहीं गंवाएगी। आज पिपलांत्री में बेटियों के पैदा होने पर जश्न मनाया जाता है, पेड़ लगाए जाते हैं और ये सब अब गांव वालों के लिए एक सामान्य सी बात हो गई है। एक सकारात्मक सोच बहुत कुछ बदल सकती है दोस्तों।
परेशानियां सिर्फ आपको परेशान करने नहीं आती, बल्कि कई बार एक नई पहचान दिलाने भी आ जाते हैं, जिसके बारे में आपने कभी सोचा ना हो। और ऐसा ही कुछ हुआ पिपलांत्री के साथ। तो ये थी कहानी पिपलांत्री की। राजस्थान से जुड़ी ऐसी ही अनोखी कहानियां और किस्से सुनने के लिए बने रहिए राजस्थान संवाद के साथ। जल्द मिलते हैं एक और नई कहानी और एक नए किस्से के साथ। क्या आपने कभी ऑनलाइन प्रमोशंस के बारे में कुछ सोचा है? नहीं तो आपको सोचना चाहिए। चाहे आप फ्रीलांसर हो या आपका स्मॉल बिजनेस हो या फिर हो मल्टीनेशनल कंपनी, आपको अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। नंबर वन, अट्रैक्टिव वीडियो। सोचिए, ऑनलाइन कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है और उसे आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में एक अच्छे से वीडियो के साथ बताते हैं, जिससे आपका प्रोडक्ट अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है। इससे आप अपनी साइट पे ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं, जो आपकी सर्च इंजन से आपकी SEO रैंक को इम्प्रूव करता है। नंबर टू, अट्रैक्टिव स्पोक्स पर्सन। आपके प्रोडक्ट को समझाने के लिए स्पोक्स पर्सन आपकी मदद करेगा। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस देता है आपको एक अच्छा वीडियो एडवर्टाइजमेंट। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, वो भी बिल्कुल किफायती दामों में। तो फिर देर किस बात की, आज ही कॉन्टैक्ट करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।